नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो आईसीएनजी और टिगोर आईसीएनजी के बारे में। मेरे पास सिर्फ टियागो है, लेकिन इस वीडियो में जब कंक्लूजन तक पहुंचेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि टियागो और टिगोर में से एक स्पेशल चीज़ है जो कि दोनों गाड़ियों के बीच में आपको लेने से पहले जाननी ज़रूरी है, और आप उसके बाद बेटर डिसाइड कर पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना अगर आपको जेन्युइनली गाड़ियाँ लेनी है। नहीं लेनी है तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग हिस्सों में मिलती जाएगी। सबसे पहले बात जो है वो हम करते हैं कि भैया प्राइस। तो ये जो टियागो टिगोर का अपडेट आया है, इसके साथ में प्राइसिंग बढ़ी है, चेंज हुई है बेसिकली। बट जो रेगुलर पेट्रोल है उसके ऊपर आपको 90,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और होगा क्या कि आपको एक फ़ीचर कम मिलेगा और एक फ़ीचर ज़्यादा मिलेगा। कम तो बेसिकली सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि जो अलॉय व्हील्स आते हैं उसकी जगह आपको यहाँ पे अभी ये डूरा अलॉय करके जो है थोड़ा सा फेक काइंड ऑफ अलॉय लुकिंग स्टील रिम्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको सीएनजी मिलेगा। अब ये सीएनजी जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें कैसी फील होती है, प्लस जो ये ओवरऑल अपडेट है इसमें क्या क्या चीज़ें नई ऐड हो गई है टियागो और टिगोर में, उन सब की बात करते हैं, उसके बाद चला के देखेंगे। चलिए ओके। तो सबसे पहले चाबी। चाबी तो देखो, आप जो पहले देखते थे वैसी की वैसी चाबी आपके पास में यहाँ पे है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लॉक अनलॉक, और आपको अगर पोजीशनिंग देखनी है गाड़ी कहाँ पे है तो आप इसको दबाएंगे तो लाइट जो है जल जाएगी। बट लाइट जहाँ जल रही है वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये साउंड इसलिए आई क्योंकि कोई ना कोई एक दरवाज़ा जो है प्रॉब्लम बंद नहीं था। यहाँ पे प्रोजेक्ट हेडलैम्प जो है वो आपको अब यहाँ पे मिल गए। नीचे DRLs जो है वो आपको मिल गए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे हो गई है। प्रोजेक्टर लाइट की इंटेंसिटी अनफॉर्चुनेटली हम चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाटा ने रात में हमें चलाने के लिए जो है गाड़ी दी नहीं है, दिन में चलाने के हिसाब से ही जो अवेलेबल है यहाँ पे। बट एटलीस्ट उन्होंने दी जो कि काबिल तारीफ है। एनीवे थोड़ा सा चेंज जो है वो यहाँ पे ग्रिल में आपको देखने को मिल रहा है। फॉग लैंप पहले से आते हैं जो कि एक अच्छा सेफ्टी फीचर है, उसका इस्तेमाल करें हज़ार लैंप की जगह जब भी फॉग आपके यहाँ पे हो। यहाँ पे आपके पास में जो बात कर रहा था मैं, आपको अलॉय नहीं मिलते हैं। ये एक्चुअली अलॉय नहीं है, ये ऊपर की तरफ एक प्लास्टिक वो चढ़ा हुआ है, और अंदर की तरफ आप डिस्क ब्रेक जो है वो देख पा रहे हैं। उसके बाद में साइड में जब आप आएंगे तो कोई भी चेंजेस, मतलब किसी भी तरीके का कोई ऐसा बदलाव नहीं है जो कि टियागो को एकदम नया लुक या ऐसे कुछ चीज़ दे दे। ORVM जो है फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। हालांकि एक चीज़ नोटिस करेंगे आप कि आपको क्रोम फिनिश जो है वो यहाँ पे देखने को अब मिल गई है। उसके बाद में पीछे की तरफ आएंगे तो एक मेजर बदलाव जो कि एक तो CNG है और एक iCNG है, दो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी मिलेगी। iCNG बैच जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, बाकी टियागो जो है वो सिमिलर सी है। थोड़ा सा क्रोम जो है उसका अगेन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये वाला दरवाज़ा एक्चुअली खुला था। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फ्यूल लीड जब आप ओपन करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे अब दो तरीके के मामले जो है वो यहाँ पे है। एक आपके पास में पेट्रोल फिल करने का है, दूसरा आपके पास CNG फिल करने का जुगाड़ है। प्लस ये जो ऊपर स्विच आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये स्विच जो है बेसिकली जब तक आप इसको बंद करेंगे, मतलब जब तक आप इसको प्रॉपरली बंद नहीं करेंगे तब तक जो है गाड़ी आपकी इग्निशन ऑन नहीं होगा, विच इज़ अ गुड सेफ्टी फीचर, और वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, CNG सिलेंडर आइडेंटिफिकेशन नंबर। माइंड यू, हर 3 साल बाद में CNG जो है सिलेंडर जो है उसके बारे में उसका चेकअप जो है उसको होना जरूरी है। बाय द वे, मैं जुगाड़ वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, विच मतलब दैट डजंट मीन कि ये प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं है, दिस इज प्रोफेशनल नहीं, जुगाड़ इन द सेंस मतलब पहले वहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था बट वहाँ पे अब दिया गया। इट्स नॉट अ डेडिकेटेड थिंग, लेकिन हाँ मतलब इस उससे ये मत समझ लीजिएगा जुगाड़ ये कोई ढंग से काम नहीं करता है। अभी मैं फिर से यहाँ आया हूँ क्योंकि बूट जो है वो खोलने का और कोई तरीका नहीं है। चाबी लगाओ या फिर ऐसे खोलो। और बूट जो है वहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा कि आपके पास में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा है सामान वामान रखने का। तो ये बूट नहीं होके बेसिकली CNG टैंक वाली जगह यहाँ पे हो गई है। CNG टैंक यहाँ पे जो दिया गया है, आई बिलीव ये 12 kg का CNG टैंक यहाँ पे है, कितने kg का आई डोंट नो, बट इसमें लगभग आप वैसे तो कैपेसिटी में 60 लीटर बोलते हैं वाटर कैपेसिटी में, लेकिन यहाँ पे जो है आपके पास में बेसिकली लगभग रफली 8-9 लीटर CNG 8-9 किलो CNG जो है वो आ जाना चाहिए। और जो क्लेम्ड फ्यूल CNG है अब उसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी करके देखो तो लगभग 200 किलोमीटर ये जो है CNG के ऊपर चल जानी चाहिए, विच इज़ अ नाइस थिंग, क्योंकि इसमें 35 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो है ही, पेट्रोल टैंक है ही, तो फिर पेट्रोल के साथ में भी एफिशिएंसी जो है, अभी चलाएंगे तो अब ज़्यादा बात करेंगे एफिशिएंसी की, बट पेट्रोल टैंक जो है उसके साथ में भी आप चल सकते हैं। नीचे स्पेयर टायर है, बट आपका सवाल अब तक आ चुका होगा मन में कि भैया स्पेयर टायर निकालेंगे कैसे, यहाँ तो जगह ही नहीं है स्पेयर टायर निकालने की, ना ही ये हिलता है। पहले ये खुलता ज़रूर है लेकिन इसका अपना एक प्रोसेस है, तो स्पेयर टायर कैसे निकलेगा। बट स्पेयर टायर निकालेंगे प्रोसेस से पहले मैं आपको बता दूँ, आप मैनुअली CNG अगर शट ऑफ करना चाहें तो इसको जो है घुमा के यहाँ से शट ऑफ कर सकते हैं। मैं अभी मैनुअली इसको शट ऑफ नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट बूट जो है उसका कैसे एक्सेस करेंगे, करना बेसिकली आपको ये है कि ये जो सीट है आपकी, इसको जब आप ऊपर खींचेंगे ऐसे तो ये थोड़ी सी आगे आ जाएगी, उसके बाद में आपको ड्रॉप करनी है ये वाली सीट, जो कि आप टिगोर में नहीं कर सकते हैं क्योंकि टिगोर में ये ड्रॉप नहीं होती है, नॉचबैक स्टाइल की वो गाड़ी आती है, बट यहाँ पे ये जो है ड्रॉप हो जाती है और आपको
बेसिकली एक्सेस मिलता है बूट का। अब इसमें दो छोटे छोटे बैग, आप लैपटॉप बैग जैसे, थोड़े मोटे टाइप के लैपटॉप बैग जैसी चीज़ें जो है वहाँ पे हम फिट कर सकते हैं। हालांकि टाटा ने ये उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ कोई कुछ रखेगा, इसलिए शायद उन्होंने किसी भी तरीके का कोई जो है फ्लोर वगैरह टाइप नहीं बनाया है, जो कि एक्चुअली उनको बना देना चाहिए था। उस तरीके की कॉस्ट कटिंग से कोई मतलब नहीं था, बट उन्होंने वो चीज़ नहीं की है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जो देख के हुआ। ऊपर पार्सल ट्रे ज़रूर आपको दी गई है, और थोड़ा ये इनकन्वीनियंट भी है मतलब बेसिकली इस तरीके से एक्सेस करना हर एक चीज़ को, तो वो वाली चीज़ जो है उसका भी कोई सॉल्यूशन डेफिनेटली टाटा को ढूंढना चाहिए था कि किस तरीके से यहाँ से जो है अगर किसी को स्पेयर टायर निकालना हो तो निकाला जाए। वेल ये चीज़ है यहाँ पे, और थोड़ा सा ये सब मैसअप हो जाता है करने के लिए। थोड़ी मशक्कत के बाद में सब चीज़ें वापस लगा दी गई है। टिगोर में क्या सीन है कि टिगोर में पीछे जो है फिर भी 200 कुछ लीटर का बूट स्पेस जो है बच जाता है, जो कि एक्सेसिबल भी है बूट खोल के, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह है, और वहीं से स्पेयर टायर पीछे से निकल जाता है क्योंकि उसमें तो सीट जो है फोल्ड भी नहीं होती है, तो निकालना और मुश्किल हो जाता है। बट कुछ और अपडेट जो है वो भी आए हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जब आप अंदर जंप करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा एक दो और अपडेट हैं। चाबी मैं लगा देता हूँ, और चाबी लगाते सबसे पहला अपडेट तो आपको यहीं दिख जाएगा। जो कंसोल है उसमें कुछ चेंजेस हैं, बीच में इंस्ट्रूमेंट मतलब बीच में ये जो रीडिंग्स हैं वो आपको दिखाता है कि पहले तो किस मोड में गाड़ी चालू हुई है। एक तो सबसे बढ़िया बात इस गाड़ी की, ये सीएनजी मोड में ही चालू हो जाती है। पेट्रोल में चालू करके सीएनजी पे स्विच करने की जरूरत नहीं है, कोई हैसल नहीं है, सीएनजी मोड में ही चालू हो जाती है। जहां आपने लास्ट मोड छोड़ा था उसमें चालू होती है। यहां सीएनजी कितना बचा वो बताता है, यहां पेट्रोल कितना बचा ये दिखाता है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ट्रिप ए बी ओडोमीटर और इसमें जो है नेविगेशन जो है वो आपका होता रहेगा। अगर आप इधर ये जो सेट करने वाला ऑप्शन दबाया दिया गया है उसमें बेसिकली आप टाइम जो है वो ऊपर की तरफ सेट कर पा रहे हो, और ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे दिख पाती है। उसके बाद में आप यहाँ देख पा रहे हो गाड़ी सीएनजी पे चल रही है, तो सीएनजी जब मैं प्रेस करके चेंज करूँगा तो अभी पेट्रोल पे आ गई है, अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। दो, जैसे ही पेट्रोल पे शिफ्ट हुई है तो आपको वहाँ पे रेंज जो है वो बताने लग जाता है कि रेंज क्या है, और जब आप शिफ्ट करते हो तो आपको यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी नज़र आने लगती है, जो कि सीएनजी के टाइम पे नहीं नज़र आ रही थी आपको। उसके बाद में जब आप वापस सीएनजी मोड पे शिफ्ट करते हो, सीएनजी मोड एक्टिव, ये चीज़ यहाँ पे लिखी आती है। एक हल्की सी चाइम भी आती है शिफ्ट होने की, टक करके जाइम जो है टाइम क्या आवाज़ जो है वो भी आती है। इससे स्टेरिंग जो है सेम चीज़ है, कुछ भी चेंजेस यहाँ नहीं है आपको। यहाँ पे बेसिकली टच स्क्रीन दिया गया वो, और ये यहाँ पे कंट्रोल्स जो है वो तो मिलते ही हैं। थोड़ा सा ये दूरी है टाटा के हिसाब से, एर्गोनॉमिकली थोड़ी सी इशू है, थोड़े दूर है यहाँ पे स्टॉल वगैरह जो है। एनीवे, उसके बाद में यहाँ पे जो है आपके पास में ऑटो एसी, जो कि आई बिलीव पिछले अपडेट के साथ में ही आ गया था, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूँ कि ऑटो एसी मिलता है। उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आउटराइट नहीं लगे आपको। सीट्स वगैरह जो है वो डेफिनेटली उनके फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा अलग है, और जो इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन है बेज एंड ब्लैक वाला वो भी थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलता है। बाकी कोई अपडेट जो है वो यहाँ पे अंदर में नहीं है। अब एक्चुअली इसको ड्राइव करते हैं, जिसमें एक्चुअली ज़्यादा अपडेट है। चलो ओके जी, तो हमारे पास में एक और एक्स्ट्रा चीज़ है, निकल नहीं है एक्स्ट्रा हमारे पास। निकल के नीचे यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है जो आप देख पा रहे हो, ये सीएनजी में एक्स्ट्रा है जो कि आना जरूरी है, लेकिन ये ढीला हो रखा है, इसको बाद में बंद कर देंगे। अभी तो फिलहाल एक्चुअली बंद मैं कर ही देता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया है सीएनजी को, और सीएनजी के एक्सटिंग्विशर को, और वो जो फ्यूल लिड क्लोज है इसीलिए गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। सीएनजी पे ही हमने स्टार्ट किया, सीएनजी पे चलेंगे। तीन लोग हैं हम गाड़ी में, ड्राइवर समेत, मतलब मैं, निखिल और ड्राइवर भैया जो है, हम तीनों लोग हैं। भैया आपका नाम भूल गया मैं, हरी भैया जो है हमारे पास में वो भी हैं, और अब हम चलते हैं, और पहले थोड़े से ग्रामीण वातावरण में चलाएंगे हम, और फिर थोड़े से खुले वातावरण में चला के देखेंगे परफॉर्मेंस जो है उसमें क्या डिफरेंसेस है। ओके, वैसे मैं बहुत चला चुका हूँ इसको ऑलरेडी, तो आमतौर पे आप ये मत समझिएगा कि मैं वीडियो ऑन करके जब चलाने लगता हूँ तभी मैं गाड़ी चलाता हूँ, उससे पहले भी मैं बहुत गाड़ी को चला लेता हूँ। हालांकि इस गाड़ी को उतना बहुत बोले जितना तो नहीं चला पाया हूँ मैं, बट फिर भी काफ़ी चला चुका हूँ मैं। तो क्या सब चीज़ें कैसी लग रही है उसकी हम बात जो करते, सबसे पहले कोई भी और किसी उस तरीके का चेंज नहीं है कि भैया गाड़ी जो है वो नई आई है, या कोई विजिबिलिटी वाइज या किसी तरीके का सस्पेंशन या ऐसा कोई चेंज जो है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। वो सब चीज़ें सेम ही है जैसी रेगुलर टियागो की थी। हाँ, NVH वगैरह की बात कर लेते हैं, इंजन वगैरह कैसा फील हो रहा है, तो देखो क्लच वैसा ही है जैसा पहले था, काफ़ी लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, और गियर शिफ्ट जो है वो भी काफ़ी स्लीक है, हालांकि उतने स्मूथ नहीं है बट स्लीक है। थोड़े से सस्पेंशन मुझे ऑड लग रहे हैं, हालांकि हो सकता है मेरा खुद का मतलब एक्सपीरियंस टियागो के साथ बहुत पहले हो गया, पर उतना मज़ेदार नहीं लग रहा सस्पेंशन जितने टियागो के मैंने पहले फील किए। प्रॉब्ली मैं हमेशा अकेले फील करता हूँ, शायद इस वजह से मेरे को थोड़ा सा और लग रहा हो। फिर उसके बाद में एक और चीज़ वो ये कि वाइब्रेशंस जो हैं वो पिछली टियागोस के मुकाबले थोड़े से कम हुए, हालांकि अभी भी इंजन में वाइब्रेशन है, 3 सिलेंडर है, वो काफ़ी बेहतर तरीके से पता चलता है। फिर आप चाहे सीएनजी मोड में हो चाहे पेट्रोल मोड में हो, जो डिफरेंसेस हैं
वो एक्चुअली नजर नहीं आते इतने, जो कि अच्छी चीज है, क्योंकि यूजुअली जब भी सीएनजी आप आफ्टर मार्केट देख लो या किसी और ब्रांड ने जब सीएनजी दिए हैं तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डलनेस आ जाती है। यहाँ पे 73 पीएस की पावर, 73.4 BHP समथिंग पावर और 94 PS जो है टॉर्क आपको मिलता है 95 समथिंग, जो कि कम है रेगुलर पेट्रोल इंजन जो आता है उससे, बट मतलब वो उतना ज़्यादा ड्रॉप भी नहीं है जितना बाकी सीएनजीज में हमने देखा या इस सेगमेंट में आप कह लो सबसे ज़्यादा पावरफुल ये चीज़ है। एक्चुअल में पता क्या है फ़र्क, ये जो पावर और ड्रॉप होती है वो सब तो ठीक है, फ़र्क ज़्यादा नज़र आता है जब आप पहाड़ चढ़ते हो या तीन चार दिनों के साथ में पिकअप लेते हो, और है सीएनजी थोड़ा सा ना और बुरा सा फील होने लग जाता है, वो चीज़ यहाँ पे फील नहीं होती। यहाँ पे जो है काफ़ी नॉर्मल ऐसे, मतलब मैं सीएनजी से पेट्रोल पे भी शिफ्ट करूँगा तो फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा, बट ऐसा कुछ खास बड़ा अंतर नहीं है। हाँ ठीक है, पेट्रोल पे थोड़ा सा एक्सेलरेशन जो है वो थोड़ा सा फास्ट होने लग जाता है ऐसी सब चीज़ें, बट ऑनेस्टली इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, जो कि टाटा ने बहुत ही कमाल चीज़ कमाल काम जो है वहाँ पे किया है, काफ़ी बढ़िया वो चीज़ जो है देख के मुझे लगा। फिर उसके बाद में बात आती है कि ओवरऑल सीएनजी जो है फ्यूल एफिशिएंसी कितनी डिलीवर करता है, तो वो काम जो है अभी हम फ्यूल स्टेशन पहुँचते हैं और चेक कर लेते हैं क्या सब जो है हमें कितना लग रहा है। देखो ये यहाँ लिखा हुआ है मान्य प्लेट नहीं तो सीएनजी नहीं, तो आपको सीएनजी की मान्य प्लेट होनी चाहिए, हर 3 साल पे पीईएसओ द्वारा अधिकृत एजेंसी से सिलेंडर की जाँच अनिवार्य है। हमारे पास मान्य प्लेट लगी हुई है, यहाँ पे हम सीएनजी डलवाते हैं। क्या भाव है सीएनजी यहाँ, अब देखते हैं हम हमारी गाड़ी कितनी चली है। 137 चल गई है, 64.50 है, ओके कितना आया 72 डिवाइडेड बाय 72, तो लगभग 20 की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से सीएनजी पे मिल रही है, मतलब 20 किलोमीटर पर केजी जो है ये गाड़ी चल रही है, जिसमें हमने इसको खड़ा रखा है बहुत देर तक हमने इसको चलाया है, तो मतलब वो मैं वो एरर जो है काट के बता रहा हूँ आपको, जो पेट्रोल में हमने चलाया वो एरर, तो मान के चलो अगर आप आराम से चलाते हो शहर में तो आप लगभग 22 के आसपास शहर में निकालोगे, अदरवाइज 26-27 जो है आप हाईवेज़ वगैरह पे निकाल लोगे। पेट्रोल के साथ में क्या फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह डिलीवर कर रहा है वो यहाँ पे आप रियल टाइम पे देख ही लेते हैं, तो उसमें कोई इशू जो है आपके पास में है नहीं। अभी ये देखो ये रियल टाइम मैंने आपको बताया वो दिख ही रहा है यहाँ पे, एज सून एज यू स्विच टू सीएनजी वो सब डिस्प्ले जो है गायब हो जाती है और आप जो है सीएनजी पे आ जाते हो और सस्ते में जो है आपकी गाड़ी चलने लग जाती है और कोई भी परफॉर्मेंस लाइक चेंजेस वगैरह जो है नहीं है, जो कि मुझे बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे सीएनजी के बारे में लग रही है। हाँ सर्विस शेड्यूल जो है सीएनजी का वो थोड़ा सा अलग है, बेसिकली सर्विस शेड्यूल तो सेम ही है जो रेगुलर सीएनजी का है, रेगुलर कार का है वही यहाँ पे है, बट हमारे साथ में जो है जो मतलब जो मैनुअल जो अभी आप करंट यहाँ पे देख पा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि हर 12 महीने बाद में यार जो दूसरी सर्विस है बेसिकली उस पर आपको जो है कई स्पेसिफिक चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, जो कि आपको अदरवाइज उनका ध्यान जो है वो नहीं रखना हो रहा था रेगुलर पेट्रोल में, तो वो चीज़ें और सीएनजी थोड़ा स्पेसिफिकली कुछ कुछ चीज़ों मतलब एक्स्ट्रा मेंटेनेंस वो कर ही देता है हल्की सी, बट अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो फिर वो कंपनसेशन जो है वो इजीली यहाँ पे हो जाता है। एक बार थोड़ी सी और डिटेल में ये बात कर लेते हैं कि कितनी रनिंग एक्चुअली आपकी होनी चाहिए जब आप सीएनजी वगैरह पे शिफ्ट हो जाए। देखो आपको यहाँ पे जो है फ्यूल एफिशिएंसी तो कोई भयंकर यहाँ पे मिल नहीं रही है, जब 26 की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है और अगर आप 90,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपने रेगुलर टियागो के ऊपर, रेगुलर पेट्रोल टियागो के ऊपर, तो मेरे ख्याल से आपको उतनी रनिंग भी होनी चाहिए, उतनी ज़्यादा रनिंग भी होनी चाहिए कि आप सीएनजी पे शिफ्ट हो। प्रोबेबली अराउंड अगर आपकी रनिंग महीने की 1,000-1,500 से ऊपर है तो आप सीएनजी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा विचार बनाएं, अदरवाइज़ जो इनिशियली 90,000 रुपये एक्स्ट्रा देने और उसके बाद में जो है हल्का सा मेंटेनेंस में एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो करना, वो सब चीज़ें जो है वो डेफिनेटली उतनी ज़्यादा वर्थ इट नहीं बनती अगर आपकी रनिंग ही नहीं है कुछ खास। महीने की आप 500-600 किलोमीटर चलाते हो, 2 बार सीएनजी महीने डलवाते हो तो भैया मतलब नहीं है, पेट्रोल पे चलाते रहो और आराम से चलाओ तो फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी आपको अच्छी मिल जाएगी, मेंटेनेंस वैसे ही कम रहेगी। बट अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप लीजिए, अगर आपकी रनिंग और ज़्यादा है तो फिर आपको शायद वो ऑप्शन देखने पड़ेंगे जो कि सीएनजी में और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करते हैं। सीएनजी मार्केट थोड़ा थोड़ा ग्रो करने ही वाला है हमेशा से, तो ऐसा नहीं है कि एकदम डाउन चला जाएगा ऐसा कुछ, तो आप लेट्स बी एश्योर्ड कि और बेहतर ऑप्शन जो है आपको सीएनजी में देखने को मिल जाएंगे जो कि अभी शायद नहीं मिलते हैं। बट फिलहाल के लिए टाटा ने एक्चुअली अच्छा काम किया है कि परफॉर्मेंस जो है उसमें डिफरेंसेस नज़र नहीं आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि ये सीएनजी ले ली चलती नहीं है मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ एज कैसे होगी वो हमें नहीं पता है, 5-10-15-20,000 किलोमीटर चलाने के बाद में सीएनजी कैसा फील होता है ये मैं चला के देखूंगा,
जब एक बार कोई 15-20 हज़ार चला देगा उसके बाद मैं उसकी गाड़ी लेके चलाऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपने ऑलरेडी 10-15 हज़ार चला लिए CNG को, तो आप जो है मुझे बताएं कि आप कहाँ रहते हैं, मैं वहाँ पे टपक जाऊँगा और उसके बाद में जो है उनसे ये भी जान लेंगे कि किस तरीके का मेंटेनेंस वगैरह जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ओवरटेकिंग भी करके बताता हूँ, गियर चेंज नहीं किया मैंने, तो गाड़ी का ऑटो बोल रहा है गियर चेंज आप कर सकते थे, बट किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ओवरटेकिंग वगैरह में नहीं हो रही है। मैं इनफैक्ट आपको इस रोड पर थोड़ा सा हाई स्पीड 0 to 100 वगैरह, 100 तो क्या करूँगा मैं, 80 कर लेता हूँ गाड़ी के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ और हम थोड़ा सा हाई स्पीड या क्विक स्पीड रन करेंगे। तो फर्स्ट गियर में है, CNG मोड पे है। ये आपने देखा CNG पे कोई खास मतलब ऐसे तोड़ परफॉर्मेंस नहीं है, जो कि CNG में कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है, ना ही करनी चाहिए। लेट्स ट्राई इट वंस ऑन पेट्रोल, ठीक है। ये पेट्रोल मोड पे हम स्विच हो गए, एकदम ऑन द गो स्विच होते हैं भाई साहब। जीरो पे हम ले आते हैं गाड़ी को स्टैंड स्टिल, थोड़ी सी बाइक आगे चली जाए। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं फ़र्क परफॉर्मेंस में, व्हील स्पिन वगैरह जो है वो भी यहाँ पे हुआ है। परफॉर्मेंस उधर है भाई साहब, तो यहाँ पे जो है हम थोड़े से ज़्यादा जल्दी पहुँच गए हैं। तो आपको जो ये क्विक मतलब रन जो आप करते हो वहाँ पे परफॉर्मेंस का फ़र्क पता चलेगा, और ये फ़र्क और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है जब आप सिर्फ पेट्रोल वाले वेरिएंट को देखते हो, क्योंकि उसमें पावर वगैरह ज़्यादा आती है। बट अदरवाइज CNG इन जनरल चलाते चलाते आप आराम से चलाने वाले लोगों को CNG और पेट्रोल में जो है स्विच करने पर फ़र्क नहीं पता चलेगा। तो जी ये सब कुछ है टाटा टियागो टिगोर iCNG के बारे में। अब नैनो के साथ में CNG आता है, हमें अभी अभी इन्फॉर्मेशन निकलने दी है, हालांकि मैंने कभी भी वो देखा नहीं है क्योंकि उस टाइम तक जयपुर में CNG नहीं था। एनीवे वो अलग टॉपिक है, बट यहाँ पे कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपसे 90,000 rupees एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, तो क्या उसकी वैल्यू जो है निकल के आ रही नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से देखो, वैल्यू निकालना नहीं निकालना वो आप डिसाइड करिए, लेकिन जिस तरीके से CNG काम कर रहा है वो एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव है, क्योंकि CNG की वजह से जैसे एकदम डलनेस वगैरह फील नहीं हो रही है। प्लस एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि आफ्टर मार्केट CNG से हमेशा फैक्ट्री फिटेड CNG जो है वो काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि लाइन्स वगैरह हर एक चीज़ जो है कंपनीज खुद उस हिसाब से बना के देती है, प्लस काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स भी है, जैसा कि ओवरऑल मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन कंक्लूजन में एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोली थी। अगर आप लगभग 70,000 rupees एक्स्ट्रा दें तो आपके पास में टिगोर आ जाती है। टिगोर 3-4 एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ में आती है। सबसे इंपॉर्टेंटली बूट जो है उसमें थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है, एक्सेसिबल मिल जाता है। दूसरी चीज़ उसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, और साथ ही में ऑटो स्टार्ट ऑफ वाला फंक्शन जो है वो भी टिगोर में आता है। तो ये कुछ जो फीचर्स एक्स्ट्रा है, प्लस जो बूट एक्स्ट्रा है। अगर आप रेगुलरली 4 लोग बैठ के गाड़ी चलती है, 3 लोग बैठते हैं या 4 लोग बैठते हैं और उस हिसाब से गाड़ी चलती है, तो आई मस्ट से कि आप टिगोर के साथ में जाओ। भूल जाइए कि टिगोर थोड़ी कम बिकती है, तो रीसेल वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ रीसेल आपको मिलनी चाहिए, बिकॉज दोनों के पार्ट्स लगभग सब सेम है, तो सर्विस कॉस्ट वगैरह जो है ऑलमोस्ट सब सिमिलर आएगी। हल्का सा डिफरेंस आपको ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी में मिलेगा, बट टिगोर जो है आपके काम ज़्यादा आएगी इन टर्म्स ऑफ स्पेस। अगर आपको ऐसा है कि भैया हमारे को बूट चाहिए नहीं, हम सारा सामान पिछली सीट पर रखते हैं, 2 जने गाड़ी में बैठते हैं मैक्सिमम, तो उस हिसाब से जो है आप टियागो CNG को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी तो जो रेगुलर चीज़ें हैं, जो रेगुलर परेशानियाँ खूबियाँ टियागो के बारे में है, वो अभी भी यहाँ पे है, मतलब उनमें कोई बड़ा चेंजेस जो है सच नहीं आया, कुछ एलिमिनेट नहीं किया गया है, कुछ ऐड नहीं किया गया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है गाड़ियों में, डाउट है, कुछ और डिस्कशन वगैरह करना पसंद है, तो नीचे ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके आप जो है ग्रुप में शामिल हो सकते हैं या कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।